कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। साथियों अन्वेषक न्यूज के माध्यम से आज हम अन्वेषक मुद्दा विशेष कार्यक्रम में आपसे वार्ता करेंगे आज एक अहम समाचार की, जो कि हमारे अन्वेषक भाई बहनों से जुड़ा हुआ है। प्रांतीय जूनियर हाई स्कूल अन्वेषक संघ के जिला अध्यक्ष भाई रवि वर्मा ने एक ज्ञापन सौंपा था ओम प्रकार राजभर के लिए अपनी मांगों को लेकर, और उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम आपकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा कराएंगे, लेकिन किसी कारणवश उनका भाजपा से संबंध विच्छेद हो गया। अब इस समय वो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मिलकर चुनाव लड़ने की रणनीति बना रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हो। अमर उजाला ने इसको प्रमुखता से छापा है, लखनऊ से ये न्यूज़ है और 21 अक्टूबर 2021 यानी आज की ये न्यूज़ है, और ये लोग गुफ्तगू करते हुए दिखाई दे रहे हैं इस समाचार पत्र में। इन्होंने गठबंधन करते हुए कहा कि हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे और सारी समस्याओं को हल किया जाएगा। आपको बताना चाहेंगे, जब माननीय मंत्री जी को हम लोगों ने ज्ञापन दिया था BW गेस्ट हाउस में, उस वक्त मैं, रवि वर्मा भाई साथ थे और कुछ और हमारे अन्वेषक भाई बहन थे जिन्होंने ज्ञापन दिया था, और माननीय राजभर जी ने, जबकि वो उस वक्त मंत्री थे, हमारी बात को बहुत ध्यानपूर्वक सुना और आश्वस्त किया था कि हम आपकी मांगों को ऊपर तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब ये सपा सरकार में मिलकर चुनाव लड़ेंगे, तो उस वक्त नहीं, तो अब उम्मीद कर सकते हैं कि ये हमारी बात को ज़रूर पूरा करवाएंगे। और माननीय अखिलेश यादव जी तो पहले से ही इशारा कर चुके हैं शिक्षा मित्र और अन्वेषकों के साथ। भविष्य को सुरक्षित करने के लिए साथियों हमारा निवेदन है श्री ओम प्रकाश राजभर से और पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री अखिलेश यादव जी से, आप अपने मैनिफेस्टो में हमारी मांगों को, हमारे अन्वेषक भाई बहनों के इस मुद्दे को साफ साफ, जैसे आप कह रहे हैं कि शिक्षा मित्रों को आप ही 24 घंटे के अंदर उनका सम्मान वापस करेंगे, वैसे ही अन्वेषकों को भी आप खुलकर बताएं, अपने मैनिफेस्टो में लिखें, अपने घोषणा पत्र में लिखित रूप से उसमें ये कहें कि हम अन्वेषक और शिक्षा मित्र दोनों को उनका सम्मान, खोया हुआ सम्मान वापस देंगे, और हम यही उम्मीद आपसे करते हैं। और इसी उम्मीद के साथ हम प्रार्थना करेंगे कि ईश्वर आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे। हमारा किसी से वैर नहीं है, किसी से हमारा विरोध नहीं है, लेकिन हम प्रार्थना सबसे करेंगे और सबका सहयोग हम चाहेंगे, क्योंकि हमें अपना काम करना है और अपने भविष्य को सुरक्षित कराना है। जो हमारे भविष्य को सुरक्षित कराएगा, हमारी मांगों को पूरा कराएगा और हमारा खोया हुआ सम्मान वापस दिलाएगा, हम उसके साथ हैं। इसी उम्मीद के साथ मैं अपने पूरे अन्वेषक परिवार से, शिक्षा मित्र परिवार से ये रिक्वेस्ट करूँगा, विशेष पर्सनली आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी, कि आप किसी को भी, किसी भी पार्टी को भी बुरा भला ना कहें और अपने वाणी पर सोच समझकर कोई भी बात को कहें। किसी से भी हमें वैर भाव नहीं रखना है, कोई भी टीका टिप्पणी करने से बचें, यही मेरा निवेदन है। इस समय आप देख रहे हैं कि सारी पार्टियां फॉर्म में हैं, सक्रिय रूप से अपनी तैयारी में लगी हुई हैं और वादे भी कर रही हैं लगातार। देखते हैं इन वादों में कितनी सच्चाई है और कौन हमारी मांगों को, हमारे खोए हुए सम्मान को वापस दिलाएगा और पुनः हम लोगों को बाकायदा शिक्षक बनने में अपना सहयोग करेगा। यहाँ पर एक पोस्ट है, आप देख रहे होंगे, ये मिशन सुरक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री गंगाराम अम्बेडकर जी हैं और इनका एक सामाजिक दल है, संस्था है, मिशन सुरक्षा परिषद, जो कि पूरे देश में काम करती है। और माननीय श्री गंगाराम अम्बेडकर जी ने अखिलेश यादव जी के लिए अपना समर्थन दिया अपनी संस्था के माध्यम से, सामाजिक संस्था है, और अपनी संस्था के माध्यम से उन्होंने पूरा सहयोग और चुनाव लड़ाने का वादा किया है माननीय अखिलेश यादव जी से। ये भी एक शुभ समाचार है। और हमारे प्रांतीय जूनियर हाई स्कूल अन्वेषक संघ के प्रदेश कार्यकारिणी के सक्रिय सदस्य इनको मांग पत्र पर्सनली दे चुके हैं श्री गंगाराम अम्बेडकर जी के लिए, जो कि
पूर्व में उनको अवगत करा चुके हैं और उनकी मांगों को पूरा कराने के लिए निवेदन कर चुके हैं और उन्हें आश्वासन किया है कि माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनते ही हम अंधेशकों के हित में जो भी उचित और जायज़ संवैधानिक मांग होगी उसको पूरा कराने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके लिए उन्होंने हम लोगों को ये सम्मान दिया और बहुत इज्जत से हमारे मुद्दे को सुना। ये हमारे लिए एक फख्र की बात है साथियों, गर्व की बात है हमारे अंतरिक्ष परिवार के लिए। तो अगर उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी की सरकार आती है, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी की सरकार आती है, तो मान के चलिए अनुदेशक और शिक्षा मित्रों का ये जो मुद्दा है जिसे राजनीतिक मुद्दा बना दिया है वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा और हम लोग सफल होंगे इनके कार्यकाल में, ऐसी उम्मीद की जा रही है। लगातार हमारे सदस्य और कार्यकारिणी के जितने भी प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य या जिले के वो लगातार संपर्क में हैं सभी मंत्री और सभी लीडर्स, चाहे वो वर्तमान में हों या पूर्व रह चुके हों, एक्स हों, किसी भी पार्टी के, क्योंकि हमें किसी भी पार्टी से नहीं, जो हमारा भला करेगा हम उसके साथ हैं, क्योंकि हमको हमारा काम और हमारा जो शिक्षा सेवा है उसे निरंतर जारी रखना है और आगे बढ़ना है, अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है, अपने देश के भविष्य को तैयार करना है। साथियों, तो मेरा यही निवेदन है कि आप सब लोग किसी से भी कोई वैर भाव ना रखें और बस प्रार्थना है सभी को करिए, ट्विटर हैंडल पर अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट कीजिए सरकार को, क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा जो है सरकार ट्विटर पर सक्रिय रहती है। अभी एक दो दिन पहले हमारे शिक्षा मित्रों ने ट्वीट पर माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के लिए पूछा था कुछ सवाल, तो उन्होंने बाकायदा था उसका जवाब दिया और उन्होंने कहा कि पूरा प्रदेश हमारा परिवार है। तो ये मत मानिए कि ट्विटर से कुछ नहीं होगा, बहुत कुछ हो सकता है ट्विटर के माध्यम से, बस आपको तरीका पता हो उसका पोस्ट करने का। और यहाँ पर एक पिक देख रहे होंगे, ये हैं अखिलेश यादव जी के धर्मगुरु कह सकते हैं या गुरु कह सकते हैं, आचार्य सुमित रतन जी, हमारे प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य, और उनसे पर्सनली मिले हैं और उनके साथ काम करते हैं, अपनी सांस्कृतिक सहयोग देते हैं, उनके लिए भी पर्सनली पोस्ट लिख चुके हैं निवेदन के रूप में कि पूज्य भंते जी हमारे अंधेशक परिवार का कल्याण करवाइए और कुछ ना कुछ हल निकालिए। तो उन्होंने आश्वस्त किया है कि अगर हमारे शिष्य अखिलेश यादव जी की सरकार आती है तो आपके मुद्दे को ज़रूर हल करवाया जाएगा। हम आपसे वादा तो नहीं कर सकते, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपके जो मांग है उसको पूरा कराया जाए, आपका सम्मान वापस दिलवाया जाए, आपके साथ जो शोषण हुआ है उसको रोका जाए। साथियों, ऐसा उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि इस समय हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे जोश और खरोश के साथ अपनी तैयारी में उत्तर प्रदेश चुनाव के 2022 के चुनाव के लिए और तैयारी कर रहे हैं। हालांकि वो लोग शिक्षा विभाग में भी कुछ नए नए प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन खुलकर शिक्षा मित्र और निदेशक भाई बहनों के बारे में अभी तक कोई भी आदेश या कोई भी बयान नहीं आया है। ये थोड़ा सा